तो आज हम बात करने वाले हैं प्रिंटर के बारे में। मेरे पास है इप्सॉन का येल सीरीज़ का 3151 वाला, 51 सीरीज़ वाला प्रिंटर। तो आज हम जानेंगे इसको वाईफाई से कैसे कनेक्ट करें। ये वाईफाई कनेक्टिविटी वाला प्रिंटर है, तो आपको मेन स्विच ऑन करना है। अब हमारा प्रिंटर ऑन हो गया है, तो हमें वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए ये जो वाईफाई का ऑप्शन आपको ब्लिंक होता दिख रहा है, उस बटन को एक बार प्रेस करना है। तो अब हमें इसे एक बार प्रेस करेंगे। अब हमें वाईफाई से कनेक्टिविटी करने के लिए पासवर्ड चाहिए होगा प्रिंटर का। तो अब हम ये आई बटन है, इसको 5 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे। प्रिंटर में A4 साइज शीट डालनी है आपको। नेटवर्क स्टेटस शीट है, यहाँ पे आपको उसका पासवर्ड, आपके प्रिंटर का पासवर्ड वगैरह सब मिल जाएगा। मैं अपने गूगल प्ले स्टोर से आपको इप्सॉन प्रिंटर का जो ऐप है वो डाउनलोड करना है। तो ये देखिए, ये इप्सॉन प्रिंटर का ऐप डाउनलोड हो गया है। फिर उसको आपको अपने वाईफाई के साथ कनेक्ट करना, अपने राउटर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे आपको अपने वाईफाई में, वाईफाई के नेटवर्क में जाके वहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना होता है। ये डायरेक्ट इप्सॉन का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे पास जाके पासवर्ड सेट करना है। उसके बाद आप इप्सॉन, ये जो ऑप्शन है इप्सॉन प्रिंट का, यहाँ पे आ जाइए। अगर आप यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो, आपको प्रिंट फ़ोटो करना है, प्रिंट डॉक्यूमेंट करना है, तो मुझे प्रिंट डॉक्यूमेंट करना है, तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। फिर उसके बाद आप अपना डॉक्यूमेंट चूज़ कर दीजिए। यहाँ पे सेटिंग में जाके आपको कितनी कॉपी चाहिए, पेपर साइज़ कितना चाहिए, ब्लैक एंड वाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हो। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ से तो आप पासपोर्ट साइज़ वाली फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हो। फिर आपको वापस आना है, सारी चीज़ें चूज़ करना है, और जब आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट कॉपी चाहिए होती है, तब आप स्टैंडर्ड क्वालिटी रखिए, प्रिंट स्टैंडर्ड क्वालिटी रखिए। अगर आपको कलर चाहिए तो आप हाई रख सकते हो। और ये सारी चीज़ें चूज़ करने के बाद आपको डन पे क्लिक करना है और आपको देनी है प्रिंट। और तो यहाँ से आपको प्रिंट ऑप्शन देना है, यहाँ से आपको प्रिंट ऑप्शन देना है, तो प्रिंट का प्रोग्रेस भी आपको दिखाई देता है। तो ये हो गया प्रिंट आउट।